again. Redskins. तो गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे हो गए। तो स्वागत है भाई आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में, दिल्ली की एक नई लोकेशन के साथ। तो भाई आज हम कहाँ आए हैं, उस जगह का नाम है भाई एग्जिबिट 320। और इस जगह को ढूंढने के चक्कर में भाई एक आर्ट गैलरी, मैं दो आर्ट गैलरी में हो जा चुका। उसकी वीडियो भी आपने भाई लास्ट जो लोग देखे हो गए, जिसने नहीं देखा वो लोग जाके देख लो। उसमें से जो अपना लास्ट व्लॉग था वो था डिवाइन आर्ट गैलरी। तो अभी चलते भाई यहाँ के अंदर। तो भाई जैसे ही अंदर चलते हैं, यहाँ पे हमें करनी होती है अपनी एंट्री, जो कि हमने कर दी। अब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो वीडियो रोक के, भाई ये क्या है, क्यों बनाई है और इसका पर्पस क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले जो पेंटिंग है ये भाई पानी में रिफ्लेक्शन की पेंटिंग है। एक ये मंदिर है, एक और बिल्डिंग है। इसके बाद भाई आगे आते हैं तो भाई ये जैसे हम दरी बनाते हैं गाँव में, तो भाई उस टाइप में है। इसमें भाई घुंघरू लगा रखे हैं और काफी सारी चीजें। इससे नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस साइड है भाई एक पेंसिल की जो अपनी पेंटिंग होती है वो, ये किसने बना रखे भाई उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। साथ में भाई एक और पेंटिंग है काफी छोटे साइज की, काफी ज्यादा डिटेल में ये लगा लो, मेरी उंगली से कंपेयर करो आप और इसको देखो कितनी ज्यादा डिटेल है। तो भाई जिनका जिन्होंने बना रखे उनका नाम है जयती कौशिक। अगर नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं तो भाई यहाँ पे एक और पेंटिंग है जो कि भाई बिल्कुल ही सेम आर्टिस्ट ने बना रखी है। आगे आते हैं तो यहाँ पे है तीन और पेंटिंग जो कि भाई सीढ़ियों पे से कोई ऊपर चढ़ रहा है, और ये भाई बहुत बिल्कुल माइक्रो पेंटिंग है। ये सोच लो आप, ये कार्ड है नॉर्मल विजिटिंग कार्ड इन्हीं का है ये, इससे कंपेयर करके देखो भाई इतने से में पूरी इन्होंने बिल्डिंग बना रखी है। यहाँ पे पेड़ है, पेड़ों के नीचे लड़की खड़ी है और यहाँ पे भाई पेड़ों के नीचे दो लड़की खड़ी है। ये भी भाई बिल्कुल पेंटिंग उसी आर्टिस्ट ने बना रखी है, पेंटर बोल सकते हैं, आर्टिस्ट बोल सकते हैं। ये एक पेंटिंग है, इसके अंदर जो जो क्रैक होते हैं आजकल चलते हैं भाई, क्रैक की जगह इसमें जो जहाँ जहाँ पे ये लगा लो कलर लगा हुआ है उसी को बिल्कुल बाहर दीवार पे इन्होंने कवर कर रखा है। इनका नाम है भाई सुकन्या घोष, जिन्होंने ये बनाई हुई है। नेक्स्ट अगर हम इधर आते हैं तो हमारे पास इधर है एक साथ ही छह पेंटिंग। ये पियानो है, ये भाई कोई बिल्डिंग टूट रही है, ये बिल्डिंग टूट कर गिर रही है, ये है उसका ढांचा। और भाई इसमें लिखा हुआ है इधर राजा, साथ में भाई डोर बिल्डिंग है, ये शायद से कोई बोट टकरा के गिरी हो ऐसा कुछ है, ये मेरे को जैसे एरोप्लेन गिरते हैं उस टाइप का लग रहा है, बाकी पता नहीं चल रहा। ये भी भाई बिल्कुल सेम आर्टिस्ट ने बनाई है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इधर तो भाई यहाँ पे और पेंटिंग जिसमें भी सेम ऐसे वाइट ये लगा लो कलर गिरा हुआ है हमारी लैंग्वेज में, तो पर भाई आर्ट है जिसने बनाया है उसको ही पता है इसकी वैल्यू। और भाई ऊपर चार लोग हैं जिनको मैं नहीं जानता, ये भी भाई बिल्कुल सेम क्रिएटर की क्रिएशन है। इधर आते हैं तो भाई इधर पांच और क्रिएशन है, ये भाई पेंटिंग नहीं बोल रहे इसको, जो भी बोल रहे। इसका नाम है पहले का द वॉक, दूसरी का नाम है द बोरवर द बॉर्डर, तीसरी का नाम भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा, इधर आप पढ़ सकते हो जो भी है। इसका नाम है द बॉडी और लास्ट वाले का नाम है द होम। और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फोटो लगा रखी है, देखो आप दो फोटो अलग अलग काट के इकट्ठी एक दूसरे में ओवरलैप कर रखी है, सेम ऐसे इधर जैसे खाट भरते भाई अपनी देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसी कुछ। अगर पेंटिंग दो रोड है, रोड पे ट्रैफिक है, लोग जा रहे हैं, उन दो फोटो को आपस में गूंथ रखा है, तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी श्रेड करके और आपस में गूंथ रखा है। ये भाई जिन्होंने बनाई है उनका नाम है अर्पिता अखंडा। नेक्स्ट हम आते हैं तो हमारे पास सेम बिल्कुल उसी टाइप की एक और पेंटिंग आ जाती है, और भाई इधर एक अपने वापस से माइक्रो पेंटिंग। इससे आगे की तरफ आते हैं तो भाई यहाँ पे भाई दरी भर रखे हैं इन्होंने, लेकिन अलग अलग कपड़े से,
कोई छोटा है कोई बड़ा है, मतलब ये लगा लो जो वेस्ट है, वेस्ट टू वंडर बनाने की कोशिश की है। और भाई इनका नाम है अक्षता मुकाशी, मैं नाम भी नहीं पढ़ा जा रहा मेरे से। बाकी ये देखो, अगर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो इधर एक नॉर्मल फोटो है, फोटो की पेंटिंग बना रखी है जिसमें भाई खेत में जो फसल है वो खराब होती हुई दिखा रखी है। नेक्स्ट हम आते हैं तो भाई इधर वापस से वैसी फोटो है, और फोटो के अंदर भाई इसको गूथ रखा है बड़ा छोटा काट काट के। तो भाई ये भी एक कला है, कैसे गोल 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 कर रखा है, इसमें आंखों से ज़्यादा कैमरे में बढ़िया देख रहा है, मैंने देख लिया। तो भाई दो है ये चश्मे टाइप में बना रखा है, और चश्मे से क्या दिखता है इंसान को वो दिखा रखा है भाई। आगे चले गए, इधर अपनी दरी बढ़ रखे भाई नॉर्मल अलग अलग कलर के कपड़ों से। यहाँ पे भाई वापस से माइक्रो पेंटिंग आ गई अपनी, ये भाई कोई दूसरी लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी पंजाबी उर्दू नहीं आ रही है। यहाँ पे आ गई एक पेंटिंग जिसमें कि दो लड़की नदी के किनारे बैठी है, और यहाँ पे आ गई भाई इनका रॉ मटेरियल। भाई हम देख के इसको आर्ट नहीं बता सकते, लेकिन भाई जिसने बनाई है बहुत ही मेहनत से कुछ सोच के बनाई होगी, तो भाई ठीक है। इधर आ जाती है भाई वापस से नियॉन पेंटिंग, जो कि भाई चमक रही है जैसे घर पे ग्लास होते हैं उसमें से रोशनी आती है वैसे टाइप। तो इसमें भाई एक लेडी को अलग अलग काम करते हुए दिखा रखा है, नो टाइप में पढ़ाई होगी जो भी है। मतलब इस साइड आ गई भाई वापस अपनी एक माइक्रो पेंटिंग, और ये कितनी छोटी है देखो, इससे कंपेयर करो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। मेरे को आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा अगर दिख पाएगा तो। तो दोस्तों आगे चलते हैं, साइड में एक दूसरा रूम, इसमें थोड़ा अंधेरा, उससे पहले दिखा देता हूँ आपको ग्लोब। तो भाई ग्लोब तो खुद ही घूमने वाला होता है, उसको दो पार्टीशन में क्यों कर रखा है वो मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे भाई चुन्नी है, चुन्नी के ऊपर इन्होंने लिख रखा है क्या बोलते हैं धागे से, तो भाई ये हिंदी तो नहीं है, जो भी लैंग्वेज है गूगल से ट्रांसलेट करके देख लेंगे, तमिल तेलुगु ऐसा कुछ है, थोड़ी देखी देखी सी लग रही है। इधर भाई ये पेंटिंग है, तो दोस्तों भाई इस पेंटिंग में लड़की के गले में क्या चक्कू से मार रखे, क्यों मार रखे, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा हो तो बताओ। यहाँ पे भाई पोट में से ये कुछ फूल खिले हुए हैं, कुछ मुरझाए हुए हैं। यहाँ पे भाई कोई साबुन से हाथ धो रहा है, उसकी HD फोटो है या फिर ये ड्रॉ कर रखी है पता नहीं सकता, इसमें बुलबुले हैं बहुत सारे, देखो आप देख पा रहे हो। बाकी इधर भाई शेष कवर कर रखा है इन्होंने अलग अलग टाइप से, पहले तो इसको नॉर्मल दिख रहा है भाई, फिर इसको अपने ही सांसों की वजह से ढंग से नहीं दिख पा रहा, इसके अंदर जो है वो फोग जम गई है। इधर आते तो भाई ये खाने में इसने पता नहीं कुछ डाला है या खाने में से निकाला है, और ये इधर भाई खुद ही उस खाने को खाने की कोशिश कर रही है। तो ये देखो यहाँ पे चल रही है स्क्रीन, इधर भी है बहुत सारी चीजें, शायद से इधर जाना अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, बाकी थोड़ा सा मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। तो भाई इधर है एक डम्मी जो कि फोल्ड अनफोल्ड नहीं होगी, ये मेटल का है, इसके बाद सुना देता हूँ आपको धीरे से। और इधर बहुत सारी और आर्ट है, तो भाई यहाँ पे बहुत सारी आर्ट गैलरी है, दो के व्लॉग मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये तीसरा है, एक बंद थी अभी उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी आर्ट गैलरी है, उसमें से जो सबसे पॉपुलर है वो यही है, इसी को मैं गूगल पे देख के आया था और फिर मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पे है भाई ये भी प्योर मेटल है, तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ इसको लुहार बनाता होगा या इसको आर्टिस्ट ही बनाता होगा। बाकी इधर इनकी बहुत सारी बुक है जिनको आप देख सकते हो, और मैं उधर गर्दन झाँक के देख लेता हूँ, उधर भी भाई बहुत सारी फोटो है, बाकी मेरा उधर जाने का कोई खास मन नहीं है, तो इसलिए अभी यहाँ से निकलते हैं बाहर की तरफ, वो पीछे चल रही है स्क्रीन। तो दोस्तों देख लिया आपने भाई अलग ही कपड़ा है,
पता नहीं कौन सा कपड़ा, और पहली बार जब मैं किसी चीज़ पर टच कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में रखते इतना ही, मिलूंगा आपको परसों सुबह 9 बजे दिल्ली की और किसी बढ़िया लोकेशन पर। थोड़ी सी हो सकती है भाई आर्ट गैलरी से अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, तो तब तक अपना ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिसने भी कर दिया है, और भाई वीडियो कैसे लगी वो कमेंट करके बताना, साथ में और हमने कहाँ जाना चाहिए वो कमेंट करके बताना। तो गुड नाइट।